ये हम जानकारी लेते हैं इस इंसान से जो कैसे हुआ और क्यों हुआ और कैसे ये बन गए, फ्रॉड के चक्कर में फंस गए। तो इसका नाम यहाँ पे इच्छो का नाम क्या है? कैमी। कैमी है ना, बनेली पंचायत में है, पड़ता है कैमी, वार्ड नंबर आठ 7 पड़ता है, ठीक है। और इसका नाम अजमल है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इससे कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो बताइए सर, आपका कैसे कैसे क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सुबह जैसे सुबह उठे एक मैसेज आया हमारे पास। उस मैसेज में था, नमस्कार सर, जियो में आपका मतलब सर्वे हुआ है, उसमें आपका ग्लैमर गाड़ी 1 लाख रुपए का चेक फंसा है। फिर उसमें एक नंबर था, वो नंबर एक सेकंड आपको बता रहे हैं। दिखाइए, नंबर निकाल के वो रखा है। नंबर था 9641। ये नंबर भी है, जैसे कि नमस्कार जियो सिम सर्विस 2020 में आज आपने जीते हैं हीरो ग्लैमर, ठीक है। बाइक क्या है ये, 1 लाख चेंज, चेक अधिक जानकारी के लिए इतना इतना नंबर पे कॉल करें। ये फ्रॉड नंबर है, देख सकते हैं आप, ये चीज़ जो है बिल्कुल फ्रॉड है। और ऐसा मैसेज आप लोग के पास भी आए तो इस चीज़ पे आप ध्यान ना दें, और हो सके बहुत सारा चीज़ मैसेज आता है तो बैंक वाले और चाहे जियो या महिंद्रा कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ें मैसेज नहीं करते हैं। तो इसके पास और कोई सबूत होगा, ज़रूर होगा, और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको भी। तो आप पैसा कितना भेजे थे इधर से, आप मतलब कैसे कैसे क्या हुआ? टोटल हो गया 17,500। 17,500 रुपया। हाँ, तो आपको क्या क्या बताया थे, क्या क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो कहाँ से थे, नाम बताए थे वो अपना क्या था? उसका मतलब जियो आईडी है, आधार कार्ड है, उसके बाद ये है, तो उसमें अनिल नाम है और उसका नाम शायद सन्नू की क्या बताया था। हाँ, सन्नू ही है। सन्नू नाम बताया था ना ये, वो जियो हाँ कंपनी से थे। हाँ जियो कंपनी से थे। तो आपको पता होगा कि जियो कंपनी फिर ऐसा नहीं करता है, और ये कोई फ्रॉड था, और ऐसा इसका कोई सर्वे नहीं है, और इसको कोई पकड़ भी नहीं सकते हैं, और शायद कंपनी वाले चाहेंगे और सरकार चाहेंगे तो शायद इसको पकड़ सकते हैं, फिर भी वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज़ सब समझदार हो गए, कोई बच्चा तो नहीं है, खुद आप देख रहे हैं इसको, और क्या करेंगे, पैसा का जोश में रहता है तो इसीलिए शायद हो सकता है भूल हो गया ऐसे। तो इसका और कोई प्रूफ है आपके पास, जी पैसा है भेजे हैं कितना भेजे नहीं भेजे हैं, जी। दिखाइए तो उसका प्रूफ कितना। देखिए ये गूगल पे से भेजा गया है, ठीक है, 1,000 5,000 6,000 रुपया है, और बैंक के द्वारा भी भेजा है, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। देखिए 4,950 का है, ये स्क्रीनशॉट है, बैंक के द्वारा भेजा गया है, और इसको बार बार बता रहे हैं, दिखाइए उसका प्रूफ कितना। देखिए ये गूगल पे से भेजा गया है, ठीक है, 1,000 5,000 6,000 रुपया है, और बैंक के द्वारा भी भेजा है, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। देखिए 4,950 का है, ये स्क्रीनशॉट है, बैंक के द्वारा भेजा गया है, और इसको बार बार बता रहे हैं कि आज से 15 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएंगे, 3 महीना बता रहे हैं। और ये 2 बार इसका पापा गए थे, और इसका जो है गांव का एक दो आदमी भी गए थे जो आपका थाना, तो वहां से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, और इस पर कोई FIR नहीं किया गया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों किया है तो हमें भी नहीं तो पता। कॉल तो करें आइए क्या इसको? हम नहीं कॉल क्या कीजिएगा, अभी तो नहीं होगा ना बात, हाँ, बात होगा अभी क्या, शायद हो सकता है। तो बात कराइए। तो चाचा आप थोड़ा बता दीजिए तो कैसे कैसे आप बैंक वहाँ जो थाना गए तो थाना में क्या बताया? नहीं, थाना तो हम गए थे लेकिन थाना तक नहीं पहुंचने दिया कि थाना वाला इसका स्पॉन्ज नहीं लेगा, तो इसलिए हम सोचे कि थाना वाला भी आपको ले लेगा 1-2 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये, फिर भी चला जाएगा आपका। ये सब फ्रॉड है, ये आप संतुष्टि कर लीजिए, अर्थात संतुष्टि करके आप घर चले जाइए। तो मतलब इसका कहना ये है कि मतलब अगल बगल के जो मुखिया थे, जो जो भी है अगल बगल के, इसको जो प्रूफ देने के लिए वो बताया इसको कि थाना जाने से आपको कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक कि आपको घाटा ही होगा, FIR लिखना में 200 100 जो भी खर्चा होगा वो हो सकता है, 1,000 रुपया जाने आने में खर्चा भी हो सकता है, इसीलिए अंकल जी आप मतलब पुलिस कंप्लेन नहीं करवाए। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी आपसे हम अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ हाथ जोड़कर कि आप लोग इस झांसे में ना पड़े, और बैंक से मैसेज भी आता है, बहुत सारा मैसेज आता है, मैसेज में ये ज़रूर लिखा रहता है कि ये सब चीज़ का कोई बैंक से फ़ोन तो नहीं जाता है, और जहाँ तक बैंक के जरिए कोई भी ATM पिन या खाता नंबर ये सब साझा करने के लिए नहीं बताते हैं, जहाँ तक वो खुद कॉल करके आपको बताते हैं कि ऐसा काम ना करें। तो
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलत ना करे। तो फिर भी इससे कॉल किए क्या आप? नहीं, कॉल नहीं लगा। नहीं लगा रहा, क्या बता रहा अभी? नंबर बंद बता रहा है अब। तो कभी कभी फ़ोन लगाते हैं तो बात होती है, मगर कभी कभी बता रहे हैं कि 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना में दे देंगे। तो रिटर्न होने का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आशा है इसका। तो फिर भी मतलब मन का भ्रम है, तो प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलत काम ना करें। ये सदवेली बनेली के बीच में पड़ता है कैमी, ठीक है, वार्ड नंबर 7 में है। और प्रूफ के लिए चाहे तो मेरे पास और सब प्रूफ है, देख सकते हैं। धन्यवाद।